बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबा जी अपना नाम बताओ। बाबूराम। और कितनी एज हो रही होगी आपकी? 86 साल। 86। हाँ जी। और शरीर कर रहा है बिल्कुल काम? मजबूत बढ़िया। सब काम करते हो? सब। अच्छा, खेती बाड़ी का भी करते हो या घर का ही? अजी नहीं, खेती बाड़ी। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो बटेरे हो रहे भैया, 500 आदमियों का परिवार हो रहा है। आप तो अब किसे किसे गिनवा में? अच्छा, 500 आदमी का परिवार है? 500 आदमियों, 500 राह है हमारी। अच्छा अच्छा, बहुत सही। तो सब नौकरी पे हैं? ना जी, सब घर ही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भैया अपना नाम बता दो। नाम आशीष छोकर। तुझे घर बना रखा है, इसके बारे में बता सकते हो? ये किसने बनवाया था और कितना पुराना होगा? ये लगभग 3 साल पुराना हो लिया जी। अच्छा, और बनवाया किसने था? पिताजी ने बनवाया था। कितना खर्चा आ गया होगा? लगभग 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 इसमें 70-75 लाख रुपए खर्चा आ लिया अभी तक। चलो एक बार अपने पूरे घर की विजिट करा दो। आ जाओ जी। कारीगर कहाँ के थे जी? कारीगर गाँव के ही हैं जी। अच्छा, 3 साल लग गए पूरा कम्प्लीट होने में? हाँ जी। लगभग हो गया होगा सारा काम? है जी, लगभग हो गया होगा सारा काम। ना ना, अभी तो बहुत काम रह रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चलो चलो, इधर चलते हैं। कितने रूम होंगे टोटल? रूम 10 रूम है जी इसमें। अच्छा, और कितने फ्लोर होंगे? 3 फ्लोर हैं। अच्छा, 3 फ्लोर है। हाँ जी। ये कौन सा रूम होगा जो? ये गेस्ट रूम है, बैठक। अच्छा, ये उक्का भी रख रखा है? हाँ जी। नहीं, बहुत सही। और ये वाला? ये अपना टीवी है, इधर देखते रहें पिताजी। अच्छा, तो नीचे कितने रूम होंगे जी? नीचे 4 रूम है जी। अच्छा, 2 इधर होंगे? 2 इधर 2 इधर। चलो उधर चलते हैं। ये स्टोर रूम बना रखा। अच्छा, सामान वामान रखने के लिए? ठीक है ठीक है। और इधर ये गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए? ना, ये अपना भैंसों के लिए चारा वारा भूस वूस अपना। अच्छा, इधर ही। पशु कितने होंगे भाई साहब? पशु जी लगभग 10 पशु हैं। 10? हाँ जी। अच्छा, तो मेंबर जाते हैं तो दूध वूध अपना भी लेते हो सारा? दूध सब घर हो जाए जी। अच्छा अच्छा, बालक भी हैं। और जमीन कितनी होगी टोटल? जमीन 60 बीघे। अपना भी कर रहे हो? हाँ, सब अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इधर पशुओं का है? हाँ ये। चलो भाई साहब ऊपर चलते हैं। आ जाओ जी। ऊपर कितने फ्लोर होंगे? वो कितने रूम होंगे? ऊपर भी 4 रूम है जी। अच्छा, ये ग्रिल कहाँ से मंगवाई थी जी? खतुल्ली से। अच्छा, जितना भी सामान था मतलब? हाँ जी, फर्नीचर, ये जो भी टोटल सामान है ग्रिल का जी, या लकड़ी से संबंधित। अच्छा, खतुल्ली का है सब? सारा खतुल्ली का। हाँ जी। ये बैठक है? अच्छा, ये बैठक गेस्ट रूम ऊपर। अच्छा, बहुत सही जी। चलो इधर चलते हैं। इधर 4 रूम है जी? हाँ जी, ये बेडरूम है जी। चलो इधर और चलते हैं। ये भी इधर एक बेडरूम है। इधर किचन होगी जी? हाँ जी, ये इधर एक रूम है, इधर किचन है फिर। अच्छा अच्छा, चलो टेरेस पे चल रहा है। ये ऊपर 3rd फ्लोर है। तो परिवार में जो क्या क्या करते हैं जी सब? परिवार में पापा रिटायरमेंट से, आई सबसे रिटायरमेंट है जी। 2 अंकल हैं, मैं फौज में है। अच्छा। एक भाई है पुलिस में है वे। अच्छा। एक भाई नोएडा में है मैनेजर कंपनी में। मतलब सब नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी। बस। और आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जी अभी। अच्छा, तो आप ही रह रहे हो मतलब और सब नौकरी कर रहे? हाँ जी। अच्छा, इधर कितने रूम होंगे भाई साहब? ये 2 रूम है इधर। अच्छा, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो जमीन भाई साहब बढ़ाई है या दादा लाई है इतनी? ना, दादा लाई है जी अभी तो। अच्छा, तो ठेके की भी बोल रहे हो या अपनी कर रहे हो? ना, अपनी कर रहे बस। अच्छा, और कोई साइड बिजनेस नहीं है? ना, साइड बिजनेस कुछ नहीं अभी, बस नौकरी है अपना गवर्नमेंट, अपनी खेती है। गवर्नमेंट 4-5 नौकरी है? हाँ जी। और खेती है? तो जितना भी परिवार है कंबाइंड रहता है? हाँ जी, कंबाइंड। न्यारे नहीं हुए? ना। अच्छा, जमीन की आप बात कर रहे थे? जमीन ये इधर मकान के साइड में है, जो अपनी 20 बीघे जमीन है, ये पौधा छुला हुआ है और खाली जो पड़ी है जी, और एक इस मकान के साइड में और वो जो ईंट खड़ी है अपनी। अच्छा, ये वाली और इधर सीधी भी है? हाँ जी, ये अपनी 12 है। अभी 20 बीघे जमीन है, सारी अपनी है? हाँ जी, यहाँ 20 है और 40 आगे है। अच्छा, 2 चक है मतलब? हाँ जी, बस 2 ही है, दोनों का अपनी 12 है। तो क्या बो रखा है जमीन में जी? गन्ना ही है? कुछ गन्ना ही है जी। अच्छा, और नहीं है कुछ? ना। चलो चलो, नीचे चलते हैं। आ जाओ जी। तो बाबा जी खेती करी होगी आपने या नौकरी करते थे? अरे नौकरी कहाँ करी, खेती करी। खेती करी। अच्छा, तो कितने वर्ष तक करी खेती? खेती अब तक करी रहे जी। अच्छा, बचपन से लग गए थे? हाँ जी। अच्छा, तो जमीन वमीन बढ़ाई थी जी? है जी, जमीन बढ़ाई है या कुछ इतनी थी जितनी? बढ़ाई जी। अच्छा, कितनी बढ़ाई होगी? बटेरी बढ़ा ली अपने हिसाब से। पहला दौर बढ़िया था या बढ़िया है? जी, पहला ही बढ़िया था जी। हाँ जी। तो पहली चीज क्या क्या बढ़िया थी? सारी बढ़िया थी, जैसे भी बढ़िया था, दूध था, घी था। अच्छा, खामटे मौज लेते, अब क्या है, चाय का पानी है। अच्छा, ये भी अपना ही है जी? हाँ जी, अपना ही है। ये तो अभी बनाया था? हाँ, अभी बना लग, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, बस ये मान लो
पिछले महीने ही थोड़ा सा काम से फुर्सत मिली इस मकान में। अच्छा, तो क्या क्या चीज हो गई, मतलब जो चीज रह रही है? चीज तो अभी फर्नीचर रह रहा सारा। अच्छा, और अपना शीशे विशे लगने रह रहे, बस यही रह रहा, पत्थर रह रहा। ठीक ठीक ठीक। ट्रैक्टर कितने होंगे जी? ट्रैक्टर एक है जी। अच्छा, अपना भी गेट दो करने वन्ने? हाँ जी, सेंटर भी गिरा है साइड में दूसरे गांव में। कौन सा होगा ट्रैक्टर? 575। अच्छा, महिंद्रा 575 डी आई। हाँ जी। इधर कितने रूम है? 3-4? चार रूम है जी। अच्छा, ये कौन सा रूम होगा? ये गेस्ट रूम ही बनेगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल फर्नीचर की वजह से चल रहा है, मतलब काम? हाँ जी, फर्नीचर बनने के लिए दे रखा। अच्छा, और ये वाला? इधर बेडरूम बनेगा मेहमानों के लिए नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ऊपर तो लेडीज है ना। जी जी। ये कौन सी ब्रीड होगी? जर्मन की है जी। अच्छा, कितने महीने का है? 20 दिन का अभी तो। अच्छा, 20 दिन का। हाँ जी। तो लिया था आपने या अपने? हाँ जी, लिया था। ये कौन सा रूम होगा? सामान वामान धरने के लिए अपना स्टोर रूम टाइप। हाँ जी, स्टोर रूम। इधर अपना फिर ऐसे भैंसों के चारा वारा के लिए। मतलब सेम ही बनाया जैसा उसने बनाया, बिल्कुल सेम ही है, सेम पोर्शन ही है। अच्छा अच्छा, चलो ऊपर चलता। आ जाओ। ऊपर कितने रूम होंगे भाई साहब? ऊपर इसमें अभी 2 रूम बनाए। अच्छा, काम अभी डिले कर दिया था इसका। तो इसके भी मिस्त्री सेम ही थे जो बराबर वाले में थे? मिस्त्री सेम है, गांव के ही आपके? हां जी भाई। अच्छा, कितने रूम होंगे इधर? इधर 2 रूम है। अच्छा, ये किसका रूम है? ये बेडरूम है। अच्छा, ये भी अभी इधर छोटे वाले सिस्टर के लिए पढ़ लैब बनाई। बहुत सही। और ये वाला? ये अभी तैयार नहीं हुआ रूम, इसके लिए फर्नीचर बनने जा रहा। अच्छा अच्छा, चलो जी ऊपर चलते हैं। आ जाओ। ये किचन होगी? ये किचन है। टेरेस पे भी है एक दो रूम? ना ना, इस पे टेरेस पे रूम ना है। अच्छा, तो गांव आपका कितना बड़ा होगा जी? गांव में लगभग 3500 वोट है जी। अच्छा, और बिरादरी कौन कौन सी होंगी? बिरादरी तो ज्यादातर तो गुजरी है। अच्छा, बाकी पंडित भी हैं और जाटो भाई भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वैसे कोई रुचि नहीं है, मतलब राजनीति में या कुछ वैसी रुचि नहीं है अलग से कुछ? ना ना, राजनीति में रुचि नहीं है। अच्छा, अपना भी पढ़ाई कर रहे हैं। पर नौकरी में और अपने खेती बाड़ी में? हाँ जी। और कुछ ऐसी कोई बात नहीं है? ना, ऐसी कोई बात। अच्छा अच्छा, ये कौन सा पोर्शन होगा? ये बैठक है पुरानी। अच्छा, ये मतलब घर से पुरानी है? ना, घर के बाद में बनाई थी फिर ये। अच्छा, इसे कितना समय हो गया होगा? इसे 8 साल हो लिए जी। अच्छा, ये अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं? हाँ जी। ठीक, बैठक में कितने कमरे होंगे इधर? बैठक में 4 कमरे। अच्छा, एक बार दिखा दो। आ जाओ। पिताजी और बाबा जी, परिवार के आप व्यक्ति सब बैठने की जगह। अच्छा अच्छा, ये गेस्ट रूम था। अच्छा, गेस्ट रूम है। हाँ जी, अपना बैठ लेंगे। ये फोटो किस किस की है जी सामने? ये दादाजी की है। दादाजी हैं? नहीं, एक्सपायर हो गए दादाजी। अच्छा, ये वाली? हाँ जी, ये। इनका क्या नाम था? स्वर्गीय बुद्ध सिंह। चलो इधर चलते हैं। 2 रूम इधर है? हाँ जी, 2 रूम इधर है। अच्छा, ये वाला कौन सा रूम होगा? ये अभी तो फिलहाल तो खाली है, नहीं तो वैसे पहले बैठक था, ये भी गेस्ट रूम था जी। और इधर सब पोर्शन चेंज हो गया ना, ये इधर स्टोर रूम बना रखा था। अच्छा, ये तो पुराने होंगे जी संदू? हाँ जी, पुराने काफी, लगभग 30-35 साल पुराने। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है जी? नरेश पाल सिंह। अच्छा, तो आप इसी गांव के निवासी हो जी? हाँ जी। और जो बराबर में भैया बैठे हैं, ये कौन कौन है? ये भाई है छोटा, ये अंकल जी है, ये भाई है छोटा, वो भतीजा है। अच्छा अच्छा, तो साइड में पेड़ पौधे लगा रखे हैं जी? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन से बता सकते हो? ये पाम के, साइकस के पेड़ हैं जी, ये पाम के हैं। अच्छा, और जो अपना जैसे पौधे आते रहे, मौसम के हिसाब से लगाते रहे, चेंज करते रहे। इस साइड में भी है जी। अच्छा, एरिया कितना होगा टोटल? टोटल ये 1.5 बीघे जमीन में मकान है। अच्छा, और पूरा एरिया, मतलब सारा पूरा एरिया टोटल 5 बीघे जमीन। खेत होगा जी आपका यहाँ? हाँ, पहले खेत था ऐसी खाली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही बना दिए थे। मतलब जो अब बच्चे हैं, जो यूथ है, खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं है? ध्यान का जब है ना। अच्छा, तो जब देंगे जब हो। और पढ़ाई लिखाई में या नशे पत्ते में ज्यादा पढ़ रहे हैं? हाँ, नशे में भी ज्यादा पढ़ रहे। अच्छा, मतलब अपने भविष्य को सीरियस नहीं ले रहे? जी नहीं जी। अच्छा अच्छा, खरी तमाकू फांक लें जी। बहुत सही जी। तो कुछ संदेश देना चाहोगे जी किसान भाइयों को? कुछ कहना चाहोगे कि आने वाला भविष्य कैसे सुधरे? हमसे तो भैया सुधरे ना। अच्छा नहीं, फिर भी कुछ कहना चाहो? अजी बस हम क्या कहें दोस्तों, भाई ने हमें पूरे घर की विजिट कराई, घर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और काफी शानदार है। दोस्तों इस वीडियो में करता हूँ यहाँ पर ही समाप्त, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।